ये है इंडियन टीम का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट के इतिहास में अपनी टीम का इंटेंट ही बदल के रख दिया था। अर्ली 2000s में क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाने वाला ये खिलाड़ी अब तक हम सबके दिलों में बसा हुआ है और इनका नाम है सौरव गांगुली। लेकिन हम सभी क्रिकेट फैंस उन्हें दादा के नाम से जानते हैं। ऑफ साइड से प्यार करने वाले और हमेशा जीत का जुनून रखने वाले सौरव ने अपने करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। फिर चाहे वो उनका ऑफ फील्ड अग्रेसिव एटीट्यूड हो या फिर ऑन फील्ड अपोजिंग टीम को डोमिनेट करना, सौरव ने अपने करियर में ये सब कुछ डिस्प्ले किया है। He was able to take the team along, but he was able to take those decisions. दादा कभी wrong नहीं हुए। He's one of the best Indian captain ever. He's one of the most successful captain ever. And जब बात revenge लेने की हो तो कोई भी सौरव गांगुली से तो पंगा मत ही लेना। इस वीडियो में हम उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे कि कैसे वेस्ट बंगाल के सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम और फैंस के लिए दादा बन गए थे। सौरव गांगुली का रणजी डेब्यू 1990-91 वाले सीजन में हुआ था। उन्होंने उस सीजन में बंगाल की तरफ से खेलते हुए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वो अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल्स तक लेके गए थे, जहां उन्होंने ओडिशा के अगेंस्ट 171 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और उसके कुछ समय बाद ही सौरव ने अपनी जगह टीम इंडिया में बना ली थी। उनका ओडीआई डेब्यू वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1992 में हुआ, लेकिन उस टाइम पर वो मैच उनका पहला और आखिरी मैच बनकर रह गया। यस, उन्हें उस मैच के बाद इमीडिएटली टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। यंग गांगुली ने इंडियन टीम में एंट्री ही करी थी और बस एक मैच के बाद ही उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और इसके पीछे का रीजन ना ही उनकी फॉर्म थी और ना ही फिटनेस, बट उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि उन्होंने अपने ही टीममेट्स के लिए ड्रिंक्स कैरी करने से मना कर दिया था और इसी वजह से उनके इतने एरोगेंट बिहेवियर को देखकर बीसीसीआई ने डिसीजन लिया था। अब सौरव गांगुली शुरू से ही रथलेस टाइप के क्रिकेटर थे और उनका नेचर भी कुछ ऐसा ही था, तो इस तरह का रूमर फैलना काफी नेसेसरी था, जिसे बाद में सौरव ने डिनाई भी किया था। अब ऐसा एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि उन्हें ओडीआई डेब्यू के बाद ड्रॉप कर दिया गया, ये तो बस सौरव गांगुली और बीसीसीआई को ही पता होगा। लेकिन इस सब के बाद भी सौरव गांगुली ने हार नहीं मानी और उसके बाद अपनी अच्छी फॉर्म को डोमेस्टिक क्रिकेट में चालू रखा। उन्होंने 1993-94 के रणजी ट्रॉफी सीजन में 561 रन स्कोर करे थे और 1994-95 में उन्होंने 641 रन मारे, जिसमें उनका एवरेज भी काफी शानदार था। इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को देखकर बीसीसीआई ने एक बार फिर से उन्हें चांस देने का डिसीजन लिया। उन्हें 1996 के इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। ये सौरव गांगुली का इंटरनेशनल करियर में टर्निंग मोमेंट था। उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट हो जाना, ये उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करी। अपने इंटरनेशनल करियर में बस एक ओडीआई खेलने वाले सौरव को पहले टेस्ट मैच की टीम में इंक्लूड नहीं किया गया, बट उनको सेकंड टेस्ट में चांस मिला जब नवजोत सिंह सिद्धू के मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ इश्यूज होने की वजह से उन्होंने बीच में ही सीरीज को छोड़ दिया था। सौरव का टेस्ट डेब्यू राहुल द्रविड़ के साथ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ था, जिसे लिटरली क्रिकेट का घर माना जाता है। वहाँ पे उन्होंने इतनी अमेजिंग इनिंग खेली जिसको देखकर इंग्लिश टीम के साथ साथ एवरी इंडियन फैन वॉज स्टन। उन्होंने उस मैच में 131 रन की अमेजिंग इनिंग खेली। फॉर अ मैन प्लेइंग हिज फर्स्ट टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स Already is a commendable effort. Lords जैसे ग्राउंड में टेस्ट डेब्यू और उसी मैच में सेंचुरी मार देना, दैट वॉज अ टोटल ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर हिम। उस टाइम पे ऐसा डेब्यू लोग बस सपनों में ही इमेजिन करते थे और सौरव ने अपने कैलिबर को उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस करके रख दिया था। सौरव ने उस सीरीज के थर्ड टेस्ट मैच में भी शतक लगाया। The wonder is happy. Hundreds now in consecutive test match innings. लेट 1990s में सौरव गांगुली का करियर ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा था। उन्होंने 1996 के सक्सेसफुल इंग्लिश टूर के बाद उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखा और बाद में वे ओडीआई में ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे। 1997 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपनी मेडन ओडीआई सेंचुरी लगाई। लेटर दैट ईयर सौरव गांगुली ने सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया था। यानी कि इन लेट 1990s टीम इंडिया को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया था जो कि सचिन तेंदुलकर को सपोर्ट कर सके। उस टाइम पर सचिन को सपोर्ट करने के लिए टीम इंडिया में कोई ढंग का बैट्समैन तक नहीं था। 1998 में हुए इंडिपेंडेंस कप के थर्ड फाइनल में उनके नॉक की वजह से इंडिया चेज डाउन द टारगेट ऑफ 315 रन्स एंड सौरव को उस अमेजिंग इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। एंड देन ऑब्वियसली गांगुली 1999 के वर्ल्ड कप के भी पार्ट थे जो कि इंग्लैंड में होने वाला था। उस वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर टीम की कमान संभाली थी। उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में जहां सचिन एक टफ फेज से गुजर रहे थे, वहां सौरव गांगुली टुक द स्टैंड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली। वो उस टाइम पर किसी भी वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट इनिंग्स थी और किसी भी इंडियन की हाईएस्ट, जो कि आज भी रिकॉर्ड होल्ड कर दिया है। कोई भी इंडियन आज तक इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। स्टनिंग
See you later. 150 for Ganguly. 1999 के उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 मैचेस में 47.37 के एवरेज से 379 रन्स बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी, और बॉलिंग में एज अ पार्ट टाइमर उन्होंने 7 विकेट्स लिए थे। हमेशा जो भी चाहे ये भी जनरेशन आती है, शुरुआत हमेशा बोलते थे दादा ने स्टार्ट किया और चलते चलते कहानी यहाँ पर, और उनकी दादा बनने की शुरुआत बस यहीं से शुरू हो चुकी थी। उस वर्ल्ड कप के बाद अगले कुछ 4 से 5 साल सौरव गांगुली के लिए करियर डिफाइनिंग साल होने वाले थे, या फिर ऐसा कहो कि गांगुली और उनकी टीम दोनों ही इवॉल्व एंड अपोजिशन को बुरी तरह से डोमिनेट करने वाली थी। इसी पीरियड में सौरव गांगुली को उनका नया नाम दादा मिलने वाला था। साल 2000 में ठीक वर्ल्ड कप के एक साल बाद मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आता है, और कुछ प्लेयर्स इंक्लूडिंग आर फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन बीसीसीआई के द्वारा बैन हो जाते हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। इंडियन टीम उस टाइम पे काफी लो फेस में थी और एक नया कैप्टन ढूंढ रही थी। जहां पर एक तरफ प्लेयर्स के घर जलाए जा रहे थे, वहां दूसरी तरफ सौरव गांगुली के हाथ में टीम की कैप्टनसी आ रही थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद सौरव गांगुली को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया जाता है। Sourav Ganguly will captain the side for the first time. और BCCI ने सौरव गांगुली से इंडियन टीम को एक सक्सेसफुल टीम बनाने की उम्मीद की। गांगुली का मोटो सिंपल था, प्ले विद फियरलेस एग्रेशन एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज। He's just shunned him away. उस साल हुए ICC नॉकआउट ट्रॉफी यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने काफी तगड़ा परफॉर्म किया, एंड दे इवन वेंट टू द फाइनल्स। हालांकि उस टूर्नामेंट को न्यूजीलैंड ने जीता, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, शुरुआत उस फियरलेस क्रिकेटिंग स्टाइल की। 2001 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, जिसे हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहते हैं, तब इंडिया की अपोनेंट टीम ऑस्ट्रेलिया किसी अलग ही फॉर्म में थी। रीसेंट वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन, लगातार 15 टेस्ट जीत के आना, और साथ ही स्टीव वॉ जैसा कैप्टन जिसका टेल डेट बेस्ट टेस्ट मैच विनिंग परसेंट है, एंड जिसने 1990s का टेस्ट एरा डोमिनेट किया हो, वो उस टीम का पार्ट थे। ड्यूरिंग लेट 90s ऑस्ट्रेलिया ने स्लेजिंग इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू विन का फॉर्मूला अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि बैट्समैन को प्रोवोक करना और मैच अपने हाथ में। लेकिन ये ट्रिक दादा के सामने काम नहीं करने वाली थी। उस सीरीज के 3 टेस्ट मैचेस में दादा ने स्टीव वॉ को टॉस के टाइम वेट कराया था, और जब वे बैटिंग करने आते थे तब स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से दिया जाता था। उस सीरीज का पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अगले 2 टेस्ट मैच जीतकर सीरीज जीत जाना। प्लस हरभजन की कोलकाता टेस्ट में हैट्रिक, एंड द्रविड़ लक्ष्मण की वो इन फेमस लेजेंडरी पार्टनरशिप, जिस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। ये सभी चीजें उस सीरीज में क्रिकेट फैंस ने विटनेस कर ली थी। सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलियंस का घमंड चकनाचूर करके रख दिया था। 2002 में सौरव गांगुली की इंडियन टीम पहली बार कोई ICC ट्रॉफी जीतती है। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में इंडिया के अगेंस्ट श्रीलंका होती है, एंड ड्यू टू रेन फाइनल नहीं हो पाता है, जिस वजह से श्रीलंका और इंडिया को जॉइंट विनर्स घोषित कर दिया जाता है। दादा के जीवन का अगला पड़ाव उसी साल के एंड में आता है। साल 2001 के एंड में इंग्लैंड टीम इंडिया आती है टू प्ले 3 टेस्ट एंड 6 ODI मैचेस। टेस्ट सीरीज तो इंडिया 1-0 से जीत लेती है, लेकिन उस ODI सीरीज में कुछ ऐसा हो जाता है जो इसकी नींव रख देता है। इंडिया उस सीरीज में 3-1 से आगे होने के बावजूद अगले 2 ODI मैचेस हार जाती है, और कन्विंसिंग मार्जिन से नहीं, बल्कि इंडिया 5th ODI 2 रन से और 6th ODI 5 रन से हार गई थी। बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन इंग्लैंड उस सीरीज को ड्रॉ करा पाती है। जब इंग्लैंड ने उस सीरीज को ड्रॉ कराया था, तो इंग्लैंड के प्लेयर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अग्रेशन में आकर अपनी जर्सी उतार के सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। इट्स ऑल ओवर फॉर इंडिया, फ्लिंटॉफ टेक्स हिज शर्ट ऑफ, जो कि फैंस को काफी नॉर्मल लगा, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं दादा के दिल पर लग गई थी। और जब ठीक एक साल बाद दादा की कैप्टनसी में इंडिया ने नैटवेस्ट ट्रॉफी जीती, तो उस टाइम पर दादा ने भी एंड्रू फ्लिंटॉफ को कुछ ऐसा ही सेम सेलिब्रेशन वापस करके दिखाया था। उस सौरव गांगुली का लॉर्ड्स के बालकनी में शर्ट को लहराना कुछ ज्यादा ही एपिक मोमेंट था, और ये दादा की तरफ से परफेक्ट रिवेंज था।
उस सीरीज के बाद इंडिया ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज विड्रॉ करा ली थी विद द हेल्प ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़। इंडिया अब ओवरसीज में भी आसानी से हार नहीं मान रही थी और कड़ी टक्कर दे रही थी। साल 2003 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बढ़िया परफॉर्मेंस था, जहां शुरू के मैचेस हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगी, वहां वो इंडियन टीम फाइनल्स तक पहुंच गई थी। हालांकि उस वर्ल्ड कप को ऑसीज ने जीत लिया, लेकिन अब दादा की कैप्टनसी में टीम इंडिया ना ही केवल ओवरसीज टेस्ट मैचेस जीत रही थी बल्कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी हम टॉप तक जा रहे थे। दादा के लिए 2003-2004 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन दोनों तरीके से ही लाजवाब थी। वो सीरीज भी 1-1 से ड्रॉ थी एंड ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने 18 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई थी। उस 18 साल के पीरियड में इंडिया केवल टेस्ट सीरीज हारी ही थी। 2004 तक सौरव गांगुली का क्रिकेट वर्ल्ड में काफी बड़ा नाम हो चुका था। When I played against Sarav, I hated him. He used to make me wait for the toss every single time. And I'd be like, Ganguly, it's 10:30. We have to toss, you know. उन्होंने तब तक कैप्टनसी के मामले में काफी ज्यादा अचीवमेंट अचीव कर ली थी एंड उन्हें बेस्ट इंडियन कैप्टन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था, स्पेशली जो उन्होंने टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई या जो उनके अंडर टीम का वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस था, दैट वॉज अनबिलीवेबल। उस पीरियड के दौरान सौरव गांगुली को क्रिकेट फैंस एंड इवन इन इंडियन ड्रेसिंग रूम सभी लोग दादा कहने लग गए थे। हैप्पी बर्थडे दादी। सब यही सोच रहे हैं कि ये दादा को दादी क्यों बुलाते हैं। हम 13 साल के थे तब हम इंदौर कैंप में मिले थे एंड वी स्पेंट अ मंथ टुगेदर और उस समय से मैं दादा को दादी बुलाता हूँ। सौरव गांगुली का टीम पे इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। ओवरसीज टेस्ट विन इन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। The start of young emerging players like Harbhajan Singh, Zaheer Khan, Yuvraj Singh, Mohammad Kaif, Ashish Nehra and many more. एक बात आप मैं सबको बताना चाहूँगा, दादा का मतलब बड़ा भाई होता है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और मेरा अगर कोई बड़ा भाई होता शायद मेरे लिए वो भी उतना नहीं कर पाता जितना इन्होंने किया, तो थैंक यू दादा। Setting high standards, transformation of the team culture, awarded पद्मश्री। उस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि दादा अपनी करियर के पीक पर थे, लेकिन कुछ समय बाद ही 2004-2005 में वो सीरीज आ गई जिससे गांगुली का करियर जो कि पीक पर था उसे डाउनफॉल की राह दे दी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज उस साल इंडिया में होने वाली थी एंड इंडिया वो सीरीज 2-1 से हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 1969 के बाद पहली बार इंडिया को उन्हीं के घर पर हरा दिया था। इस सीरीज के बाद दादा को एक हारा हुआ कैप्टन बताया जाने लगा और उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठने लग गए। उनके 2004 के डिसेंट फॉर्म और 2005 की खराब फॉर्म की वजह से उन्हें अक्टूबर 2005 में टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। Yes, you heard it right. जिस प्लेयर ने साल 2000 की मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद इंडियन टीम की कमान संभाली थी उसी प्लेयर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। उस टाइम ऑफ पीरियड के बाद टीम की कैप्टनसी राहुल द्राविड़ को सौंप दी गई और ये तक कहा जाने लगा कि गांगुली इज फिनिश्ड। कुछ रूमर्स तो ये भी आ रहे थे कि ग्रेग चैपल की टीम में एंट्री होने की वजह से गांगुली को कैप्टनसी से हटा दिया गया। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था, पर अब नहीं। जैसे ही ग्रेग चैपल इंडियन टीम के हेड कोच बनते हैं, उनकी और सौरव गांगुली की डिस्प्यूट्स काफी न्यूज मीडिया हेडलाइंस का पार्ट बन चुकी थी। ग्रेग चैपल ने बीसीसीआई को एक मेल लिखा जिसमें लिखा था कि गांगुली वॉज मेंटली एंड फिजिकली अनफिट टू लीड द टीम एंड हिज मेथड ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज डैमेजिंग द टीम। ये मेल लिखने के कुछ दिनों बाद ही इस मेल को समहाउ पब्लिक कर दिया गया था एंड चैपल को गांगुली के फैंस से काफी बैकलैश मिलता है। ये इशू ऐसे ही टीम के अंदर चलता रहता है एंड इवेंचुअली ड्यू टू द पुअर फॉर्म सौरव गांगुली को कैप्टन से ड्रॉप कर दिया जाता है। इंडिया के 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस और साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में 4-0 के वाइट वॉश के बाद गांगुली फाइनली एक साल बाद अपने इंडियन टेस्ट टीम में कमबैक करते हैं। वो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन ओडीआई सीरीज में वे अपनी परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कर देते हैं। पहले 73 रन की नॉट आउट मैच विनिंग इनिंग्स और उसके बाद हुए वेस्ट इंडीज टूर में एक और 98 रन की नॉट आउट मैच विनिंग इनिंग। सौरव गांगुली को कैप्टनसी से तो हटा दिया गया था, लेकिन उनके बैटिंग एग्रेशन को कोई नहीं हटा पाया था। 2007 की ओडीआई वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा बनने को मिला। उस वर्ल्ड कप में कोच ग्रेग चैपल ने काफी क्वेश्चनेबल एंड कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर इंडियन टीम से हटा दिया गया था, लेकिन सौरव गांगुली एज अ बैट्समैन कहीं ना कहीं वापस आ चुके थे। हालांकि वो पिछले बीते गए कुछ सालों को भुला नहीं पा रहे थे जिसके चलते उन्हें 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ा। लाउड अप्लॉज फॉर द फॉर्मर इंडिया कैप्टन वॉकिंग आउट टू द सेंटर द लास्ट टाइम इज कमिंग आउट टू बैट इन टेस्ट मैच क्रिकेट। मगर उन्होंने जाते जाते एमएस धोनी को एक बनी बनाई टीम दे दी थी जिसमें यूवी, भज्जी, जहीर, आशीष नेहरा जैसे प्लेयर्स शामिल थे।
उन्होंने 2007 की पाकिस्तान वाली सीरीज और 2008 में ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी सेंचुरी लगा दी थी, जो कि उनकी फेयरवेल सीरीज थी। उस सीरीज में एमएस धोनी कैप्टन थे और इंडिया वो सीरीज 2-0 से जीत गई थी। अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज से पहले गांगुली ने बताया था कि ये सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होने वाली है, एंड ऑनेस्टली उन्हें ये आइडिया नहीं था कि वे सीरीज का पार्ट भी होगी या नहीं। फाइनली द सीरीज एंडेड एंड द टेनियर ऑफ दादा वाज ओवर टू। अपने 12 साल के इंटरनेशनल करियर में दादा ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला ऑन द इंडियन क्रिकेट टीम, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टीम की सोच एंड इंटेंट जो बदला था वो दादा की वजह से ही बदला था। सौरव गांगुली उस टाइप के प्लेयर थे जो कभी ड्रॉ के लिए खेलते ही नहीं थे। उनका मानना था कि अगर अच्छे से खेला है तो जीतना भी जरूरी। कोई हजार मैच भी जीत लेंगे, बट जो इन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए उससे ज्यादा अचीवमेंट्स तो कर ले, बट कोई इनके रुतबे को मैच नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना भी है और ये मेरा दावा भी है। और ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर कुछ ही पैदा होते हैं इंडिया में, और गांगुली जैसे प्लेयर अब शायद कोई हो भी ना। थैंक यू दादा फॉर योर एफर्ट्स टू द इंडियन क्रिकेट टीम। इंडिया के हर मैच में मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा, आप भी चिल्लाएं, मेरी टीम को अच्छा लगेगा। अपने दादा की बात सुनेंगे ना? अगर युवराज सिंह के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करो, और अगर एमएस धोनी पर वीडियो देखना है तो इस वाले पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।